तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक 3D ब्यूटीफुल लव स्टोरी वीडियो बना सकते हो, वो भी AI टूल्स की मदद से। तो आ गए आप लोग दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें मैं जो स्टेप्स बताने वाला हूँ आप उसको फॉलो करके ऐसे अमेजिंग वीडियोस बना सकते हो। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वीडियो को बनाने के लिए हम यूट्यूबर्स को बैकएंड में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टेप वन से, वीडियो स्क्रिप्ट। इसके लिए सिंपली हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे और इससे एक सिंपल सी स्वीट लव स्टोरी का स्क्रिप्ट बनवा लेंगे। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है गिव मी अ शॉर्ट लव स्टोरी, इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है। ऐसे आपको ये प्रॉम्प्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो। देखिए हमारा स्टोरी विद इमेज प्रॉम्प्ट के साथ आ गया, वो भी सीन बाय सीन डिवाइड होकर के। अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता है तो मैंने इसका जो है एक पूरा का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो के बाद उसको प्लीज चेकआउट जरूर कर। तो हमारा स्क्रिप्ट तो कंप्लीट रेडी हो गया, अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप पर, जिसमें हम इस स्टोरी के लिए इमेजेस जनरेट करेंगे। इसके लिए एक फ्री और बेस्ट AI टूल है लियोनार्डो AI, और दोस्तों इन सभी AI टूल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसमें लॉग इन कर लेना है, यहाँ आई एम व्हाइट लिस्टेड पे क्लिक करके सिंपली यहाँ AI इमेज जनरेशन पर आ जाना है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप मूवी टाइप वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आप 16:9 सेलेक्ट कर लेना रेशियो को, और अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाना है तो 1:1 रेशियो सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना। मैं क्योंकि यहाँ पे मूवी टाइप का वीडियो बनाने वाला हूँ तो इसलिए 16:9 सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लियोनार्डो AI में डेली के 40 प्लस इमेजेस जनरेट करवा सकते हो बिल्कुल फ्री, जो कि इनफ होगा हमारे इस टाइप के वीडियो के लिए। अब आपको आ जाना है चैट जीपीटी पर, यहाँ से पहले आपको इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर देना है। उसके साथ साथ आप यहाँ से जो प्रॉम्प्ट का स्टोरी है इस पैराग्राफ को भी कॉपी करके और इसी में पेस्ट कर देना है। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी कॉपी या पेस्ट करना है यहाँ पे, तो एक बार यहाँ पे रेशियो को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बार बार रेशियो चेंज हो जाता है। देन यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देंगे। बस अब इसी तरीके से हम लोग जो है दूसरा वाला भी इमेज जनरेट करेंगे। सिंपली यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और उसके बाद स्टोरी के पैराग्राफ को भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट करके सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों अगर आपको ये इमेज पसंद नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे रीजेनरेट पे क्लिक करके बार बार इससे अलग अलग इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, जो कि इसी प्रॉम्प्ट का इमेज होगा। इसी तरीके से आप एक एक करके सारे इमेजेस सेम प्रोसेस से जनरेट कर लेना। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टेप पे, आपको अपने वीडियो के लिए वॉइस ओवर भी बनवाना होगा। इसके लिए अगेन हम लोग फिर से फ्री AI टूल का यूज करेंगे, जिसका की नाम है 11 Labs। हम इससे फ्री AI वॉइस ओवर बनवा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो अपना भी वॉइस रिकॉर्ड करके और इस वीडियो में एड कर सकते हो। अभी तो मैं 11 Labs का ही यूज करूंगा। आपको सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है 11labs.ai, के बाद सिंपली आपको इस लिंक को क्लिक करना है और आपको सिंपली चैट जीपीटी पर आ जाना है। अभी देखो यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, इंग्लिश में है। तो अगर आप चाहते हो कि स्टोरी हिंदी में हो तो सिंपली हम लोग चैट जीपीटी को ही बोलते हैं कि हिंदी में स्टोरी करके देगा हमें। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करते हैं प्लीज सेपरेट द एबोव स्टोरी इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन उसमें जो है आपको हिंदी ट्रांसलेट मिलता, जो कि सुनने में या फिर समझने में थोड़ा सा अलग लगता। ये क्या है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देगा H से। इसमें क्या है, जैसे हम लोग आम तौर पे बातचीत करते हैं ना, उस तरीके से ये जो है वर्ड्स को ट्रांसलेट करके देगा, तो ये सुनने में और समझने में भी आपको अच्छा लगेगा। अब आपको एक एक करके सारे पैराग्राफ को कॉपी कर लेना है और 11 Labs में आकर पेस्ट करते जाना है, और यहाँ से आपको जिसकी भी आवाज पसंद है उसकी आवाज को आपको चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे बेला की आवाज को चूज कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको सारे वॉइस ओवर बनवा लेने हैं। आप इसमें एक बार में 333 वर्ड तक का फ्री AI वॉइस जनरेट करवा सकते। अगर दोस्तों आपको इस AI को यूज करने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप मेरे इन वीडियोस को देख सकते हो, मैंने इन वीडियोस में बहुत सारे AI टूल्स का ट्यूटोरियल बनाया है। अब आते हैं सिंपली अपने नेक्स्ट स्टेप पर, इसमें आपको सिंपली इन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है। इसके लिए अगेन हम एक फ्री AI टूल का यूज करेंगे, जिसका की नाम है पीका लैब्स। देखो अगर आप चाहो तो इसके लिए runwayml.com वेबसाइट का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको कुछ फ्री के क्रेडिट्स मिलते हैं और जब क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं फिर आपको उसको बाय करना पड़ता है। लेकिन पीका लैब्स AI में ऐसा कोई झंझट नहीं है, तो सिंपली आपको सर्च कर लेना है गूगल पे pikalabs.ai, देन इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है, फिर ये इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको पीका लैब्स पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ पे ज्वाइंट बेटा पे क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली इसमें आपको अपना नाम लिख करके कंटिन्यू कर देना है, फिर ह्यूमन वेरिफिकेशन करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको सिंपली किसी भी ग्रुप को
ओपन कर लेना है, जैसे मैं इस चार नंबर वाले ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप पहले ध्यान से समझो दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइप करना है /create, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रॉम्प्ट में लिख देंगे लव स्टोरी। फिर यहाँ पे जो +1 मोड वाला ऑप्शन है ना, इसको क्लिक कर देना है। और इस पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी इमेज को 3D वीडियो में कन्वर्ट करना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप एक बार में एक ही इमेज को सिलेक्ट कर सकते हो, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके देन एंटर टैप कर देंगे। अब देखो, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका और फिर आपके इमेज को 3D वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हाईलाइट वाला सेक्शन आपको दिखा रहा है ना, यहीं पे हमारी वीडियो जनरेट होगी। तो ये देखो, ये हमारी वीडियो जनरेट हो गई है और अब काफी अच्छी भी लग रही है। दोस्तों, आप इसमें मैक्सिमम 3 सेकंड तक का वीडियो जनरेट करवा सकते हो, लेकिन कंपनी का कहना है कि जल्द ही इसका अपडेट आएगा और इसकी लेंथ 5 सेकंड तक कर दी जाएगी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे आप इस वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। तो सिंपली अब हम ऐसे ही एक एक करके अपने सारे इमेजेस को 3D वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी प्रोसेस से हमने अब सारे वीडियो क्लिप्स बनवा लिए हैं, उसी के साथ साथ सारे वॉइस ओवर भी जनरेट हो चुके हैं। अब इसको करना है असेंबल, और असेंबल करने के लिए हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेप 5 पर, जो कि है एडिटिंग। अब देखो, अब आप यहाँ पे एक बात को समझो कि आपको जौन सा भी वीडियो एडिटर को यूज करना आता हो, चाहे तो फोन में या फिर आपके लैपटॉप में, सिंपली आप उसे ओपन कर लेना और अच्छे से इन सारे वीडियोस को वॉइस के साथ सिंक करके अच्छा सा कैप्शन, म्यूजिक, ट्रांजिशन एक्सेट्रा लगाकर एक अच्छा सा आई कैची वीडियो एडिट कर लेना है। जैसे मैं अभी अपने पीसी में प्रीमियम प्रो का यूज कर रहा हूँ इसको असेंबल करने के लिए। सिंपली प्रीमियम प्रो को ओपन कर लेना है, फिर सारे वीडियोस और वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह, और फिर इसको वॉइस के साथ एडजस्ट कर लेना है। और हाँ, और यहाँ पे आप समझो, जिस भी वीडियो का आपको लेंथ को इंक्रीज करना है, सिंपली उसको सिलेक्ट करके उसको आप स्लो कर दो, आपके वीडियो का ड्यूरेशन जो है इंक्रीज हो जाएगा और ये दिखने में भी काफी अच्छा लगता है। बस फिर पूरे वीडियो को एडिट करके यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से फुल HD सिलेक्ट कर लेना है और इसको 25 FPS पे कर देना है और ये सारे सेटिंग्स को इनेबल करके सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है। तो चलिए फिर मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, आप कमेंट करके फीडबैक जरूर देना और अगर आपका कोई सवाल तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। एक छोटे से शहर में अलेक्स और एमिली की रास्ते मिलते हैं। एक पल में एक रिश्ता जैसे कायम हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया उनको एक साथ लाना लगती है, एक मोहब्बत का आगाज होता है जो किस्मत में लिखा लगता है। उनके दिन हंसी मजाक, साझेदारी में ख्वाब और छुरे गए नजारे से भरे होते हैं। वो हाथ में हाथ डालकर शहर को सैर करते हैं, जो उनके प्यार की कहानी का मजबूती का बुनियाद बन जाता है। समय के साथ मुश्किलें सामने आती हैं और उनके बीच शक का अंधेरा बनता है और उनके दिलों को दर्द होता है जब वो अलग हो जाते हैं। बारिश ताजी हो रही है जो उनके दिलों पर पार्टी है, जैसे उनके दिल के आंसू है। वो अलग अलग सदकैन में खड़े हैं, दूरी और दर्द से अलग। विश्वा के भीतर उनका प्यार उनके सामने आए मुश्किलें को हर लेता है। उनका दिल जिसे पहले तोड़ दिया गया था, अब एक साथ धधक रहा है और वो उजाले से भरे एक नए कल की तरफ हाथ में हाथ लेकर चलते हैं। जब एक नए दिन पर सूरज निकलता है, अलेक्स और एमिली की प्यार की कहानी एक नए बाब की तरफ बढ़ती है। एक एक पल का एहसास और एक वादा साथ चलने का, वो साथ चलना जारी रखते हैं एक खूबसूरत भविष्य की तरफ।